देखे थे। ठीक है, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर और लीनियर डिपेंडेंस ऑन वेक्टर पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड सेम मेथड। ठीक है, राइट हैंड साइड सेम मेथड में क्या होता है, इसका क्या यूज है? इस मेथड से हम तीन चीजें प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या तीन चीजें प्रूव कर सकते हैं? पहला है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रूव कॉन्कुरेंसी। और नेक्स्ट है टू फाइंड सेक्शन फॉर्मूला रेशियो। ठीक है, ये तीन चीजें हम प्रूव कर सकते हैं। मिनट, ठीक है। तो राइट हैंड सेम मेथड से हम क्या कर सकते हैं, तीन चीजें प्रूव कर सकते हैं। एक है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, जैसे ये वाला मेथड आपका यूज होगा। मान लो मैं बोलता हूँ सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स निकालो, इन सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, ये प्रूव करो दो मीडियन या तीन मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो उन सब चीजों के लिए इस मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, और आपको याद होगा कि हम जब उसमें टू डायमेंशन में भी कर रहे थे तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले थे हमने, सरकम सेंटर के आपको लिखवाए थे, और उनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जो कि इसमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड सेम मेथड में हम क्या है कि राइट हैंड साइड को सेम बनाएंगे, मतलब वेक्टर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सेम बनाएंगे। तो उसका यूज क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट निकालने के लिए यूज होगा। कॉन्करेंसी को प्रूव करना होगा, जैसे मीडियंस की कॉन्करेंसी होगी, ऑल्टीट्यूड की कॉन्करेंसी होगी, और टू फाइंड सेक्शन फॉर्मूला रेशियो। अब जैसे आपको याद होगा कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, तो जो मीडियन की लेंथ होती है वर्टेक्स से वो 2:1 बनाता है, और जिस पॉइंट पे वो साइड को कट करता है उसके साथ 1:1 बनाता है। तो ये तीनों टाइप की चीजों को प्रूव करने के लिए ये मेथड का यूज होता है। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं। एक बार मेरे को बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, क्वेश्चन का नंबर बताना, कितने क्वेश्चन हो गए थे? सेवन सेवन क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने ना दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर ली है, अगर आपको दिख रहा है उनको मैसेज कर दो। एक तो ये दीपांशु है, एक हर्षित है, इनको मैं बोल भी रहा हूँ तब भी वहीं पे मैंने चेंज किया क्योंकि वो लोड ले रही थी, वो क्रैश हो रही थी मीटिंग बार बार ना। टाइम वेस्ट करते हैं यार बच्चे। मिनट रुको, चलो ठीक है वापस आते हैं। तो 8th क्वेश्चन मान लेते हैं। चलो तो 8th नाइन क्वेश्चन सॉरी क्या है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब क्वेश्चन से कर रहे हैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर, 9th क्वेश्चन है। ठीक है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है,
अब देखना इसमें जो जिस तरीके से हम करेंगे उसी हिसाब का मतलब आगे का सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। एक बार अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझना तो हो जाएगा। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 हो या 9 हो, चलो जो भी है ठीक है, 9 मान लो इसको। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी जिसके हमारे को तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब मेरे को क्या करना है, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमें पता है कि मीडियन बनाएंगे हम, तो ये वाला पॉइंट डी हो गया, ये वाला जो जाएगा ये ई हो गया, और ये जो जाएगा ये एफ हो गया, ठीक है, और ये जो पॉइंट हो गया ये जी हो गया। तो सेंट्रोइड हमारा जी हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपके अननोन पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे डी ई एफ अननोन पॉइंट्स हैं, तो इनको एज्यूम कर लो डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, क्योंकि ये मीडियन है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:1 में डिवाइड करेंगे, तो ये 1:1 होगा, ये भी 1:1 होगा, ये भी 1:1 होगा, ठीक है। तो जो आपके अननोन वेक्टर्स हैं उनको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, अननोन वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तभी राइट हैंड साइड सेम मेथड है। बेसिकली क्या है कि हम अननोन वेक्टर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेम रखेंगे तो राइट हैंड साइड सेम कर पाएंगे, अननोन वेक्टर को राइट में रखोगे तो लेफ्ट सेम करनी पड़ेगी। तो हमने राइट हैंड साइड सेम मेथड नाम दिया हुआ है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप राइट हैंड साइड में सेम करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में सेम करो, कंसेप्ट सिंपल सा है कि एक साइड को हम सेम करेंगे। तो अननोन वेक्टर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, तो मेरा जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी बाई टू के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डी वेक्टर मेरा किसके बराबर हो गया, बी प्लस सी बाई टू के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है। ऐसे ई वेक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा, ई ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ए प्लस सी बाई टू के बराबर हो जाएगा। एफ वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, एफ वेक्टर आपका ए प्लस बी बाई टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डी ई एफ आ गए। अब इससे क्या आएगा, टू डी वेक्टर किसके बराबर होगा, टू डी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। टू ई वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। 2f वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, समझ आ गया। तो हमारी राइट हैंड साइड देखो, अभी राइट हैंड साइड सेम हो रही है कि नहीं हो रही, राइट हैंड साइड सेम नहीं हो रही। राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, एक तो b प्लस सी चल रहा है, एक a प्लस सी चल रहा है, एक a प्लस बी चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो 2d वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस सी है, 2e वेक्टर a प्लस सी है, 2f वेक्टर a प्लस बी है। अब अगर मेरे को राइट हैंड साइड सेम करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं a ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो इधर भी ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने बी ऐड कर दिया, इसमें बी ऐड कर दिया, समझ आ रहा है, इसमें सी ऐड कर दिया, इसमें भी सी ऐड कर दिया। देखो ये ऐड करने से क्या हुआ, आपकी राइट हैंड साइड तीनों की क्या बन गई, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये हिंट आपको ना यहां से भी मिल जाएगा, जैसे जब डी है तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो ए डी मेरी लाइन है, तो डी में ए ही ऐड होगा, तो डी में ए ही ऐड किया है, दो ही वेक्टर ऐड हो सकते हैं और डी में ए ही ऐड होगा क्योंकि ए डी लाइन बनानी है मुझे। ऐसी ई में बी ही ऐड होगा, ई और बी ऐड हो रहे हैं, सी में एफ ऐड होगा, ठीक है। अब यहां से मेरे को क्या समझ आ गया, अब अगर मैं ये देखता हूं ये जो तीन स्टेटमेंट हैं, यहां से मुझे ये समझ आ गया कि मेरे पास ए प्लस टू डी वेक्टर जो है वो बी प्लस टू ई वेक्टर के बराबर है, वो सी प्लस टू एफ वेक्टर के बराबर है, और ये सारे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। इतना समझ आ गया, ए प्लस टू डी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस, वही इक्वेट कर दिए हैं सारे। अब इन सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1:2, 1:2, 1:2, तो सेक्शन फॉर्मूले की रेशियो बन रही है। तो ए प्लस टू डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूँ, बी प्लस टू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूँ, सी प्लस टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूँ, और ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूँ। तो ये एक मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई जिसमें आ रहा है कि भाई a प्लस टू डी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू बी प्लस टू ई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सी प्लस टू एफ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है, तो कंक्लूजन निकालते हैं अब इसका। देखना आप ध्यान से, तो अब इससे ये कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, AD मेरे पास एक लाइन है, ये a प्लस टू डी डिवाइडेड बाई 3 क्या बता रहा है, AD मेरे पास एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। AD एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट आ रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a प्लस टू डी डिवाइडेड बाई 3, तो इसको 2 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा,
तो अगर ये टू और वन हो रहा है तो जी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ, टू डी प्लस ए, सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस टू डी डिवाइडेड बाई थ्री तो आएंगे, समझ रहे हो। आगे देखो, बीई के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, एक लाइन है जो बी और ई को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लाइन के ऊपर ही पॉइंट देता है। अगर रेशियो पॉजिटिव है तो इंटरनल होगा, अगर रेशियो नेगेटिव है तो एक्सटर्नल होगा। तो बी प्लस टू ई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टू इधर जाएगा, वन इधर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी प्लस टू एफ है तो टू इधर जाएगा, वन इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, टू एफ प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री, टू डी प्लस ए डिवाइडेड बाई थ्री, टू ई प्लस बी डिवाइडेड बाई थ्री। इससे क्या पता चला, अब हमारे पास ना तीन लाइन है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तीन लाइन है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ये तीनों के ऊपर एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, क्योंकि इन तीनों के पोजीशन वेक्टर सेम है। एडी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है ए प्लस टू डी बाई थ्री, बीई लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है बी प्लस टू ई डिवाइडेड बाई थ्री, सी एफ लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट है जिसके सी एफ लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है सी प्लस टू एफ डिवाइडेड बाई थ्री, और वो एक्चुअली में किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। इसका इस ये जो स्टेटमेंट है ना जो हमने बॉक्स बना के लिखी हुई है, इससे ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। इससे क्या क्या क्लियर हो रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन ए डी कॉमा बी ई कॉमा सी एफ आर सेम। देर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो तीन लाइन के ऊपर आ रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर सेम है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, ए डी बी ई सी एफ आर कॉन्कुरेंट एट ए डी बी ई सी एफ आर कॉन्कुरेंट एट किस पॉइंट पे कॉन्कुरेंट होंगे, उसी पॉइंट पे कॉन्कुरेंट होंगे जी, जिसके कॉर्डिनेट क्या होंगे, उसके कॉर्डिनेट आप ए प्लस टू डी बाई थ्री भी लिख सकते हो, b प्लस टू ई बाई थ्री भी लिख सकते हो, c प्लस टू एफ बाई थ्री भी लिख सकते हो, और अगर ए बी सी के टर्म में लिखना है तो a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं लिख रहे ना, हम तो ए बी सी वाले फॉर्मेट में लिख रहे हैं। बात समझ आएगी नहीं समझ आई, अगर समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर भी कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं समझ आया। देखो क्वेश्चन में क्या था, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो ए जो है ये पॉइंट है, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमारे पास पॉइंट है, तो हमें पता है मीडियन सेंट्रोइड जो होता है मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, मीडियन क्या करता है साइड को 1:1 में डिवाइड करता है, तो हमने डी ई एफ लिख लिए, जो अननोन वेक्टर है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बी प्लस सी बाई टू, ई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे ए प्लस सी बाई टू, F के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे A प्लस बी बाई टू। तो फिर क्या होगा, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड सेम रखनी है, राइट हैंड साइड सेम करनी है, सॉरी राइट हैंड साइड सेम करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अननोन वेरिएबल जो है ना उसके साथ ये 2 को भेज देंगे, तो 2D 2E 2F आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 2D इक्वल टू बी प्लस सी, तो मेरे को ये समझ आ गया कि भाई इसमें तो A मिसिंग है, नेक्स्ट वाले में B मिसिंग है, थर्ड वाले में C मिसिंग है, अगर A B C ऐड कर देंगे तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया वहां से, ए प्लस टू डी इक्वल बी प्लस टू इक्वल सी प्लस टू एफ इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से देख के समझ आ ही रहा था कि रेशियो बन रही है, ऐसा होता है ना एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एन, या एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, तो 1:2 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, 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 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे को ये क्लियर हो गया a प्लस टू डी बाई थ्री, बी प्लस टू ई बाई थ्री, सी प्लस टू एफ बाई थ्री, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है जैसे a प्लस टू डी बाई थ्री ये पॉइंट जो है AD के ऊपर आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये BE के ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट जो है ये CF के ऊपर आ रहा है, तो AD BE CF के ऊपर एक पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर सेम है, मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉन्कुरेंसी प्रूव हो गई इससे, ठीक है। वो तीनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, ठीक है। और जो वो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है डी को, देख रहे हो 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, तो 2D प्लस A डिवाइडेड बाई 3 तभी तो बनेगा,
AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, BE को भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है और CF को भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि जो G डिवाइड्स AD इन 2:1, सिमिलरली जो बाकी भी हैं, ठीक है, G डिवाइड्स BE इन 2:1, CF इन 2:1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और क्वेश्चन करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम 9 हो गया, प्रॉब्लम 10 देखो। D, E divides, जब ये सेक्शन फॉर्मूले की रेशियो आती है ना, इसमें साइड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर वो AB लिखेगा तो अलग हो जाएगा, अगर वो BA लिखेगा तो अलग हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो D, E divides side BC and CA of triangle ABC in the ratio 2:3 respectively, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है D divides BC and E divides CA in the ratio 2:3 respectively. तो find the point of intersection of AD and DE, ठीक है, AD and BE होगा, सॉरी AD एंड BE, ठीक है, वेयर ए इज स्मॉल ए वेक्टर, ये पॉइंट दिए हुए हैं, बी इज स्मॉल बी वेक्टर एंड सी इज स्मॉल सी वेक्टर, ठीक है। करो इसको सॉल्व, करो खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं बता रहा हूं। इसमें वही है कि राइट हैंड साइड सेम रखना है, अननोन वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। जिसका भी आंसर आ रहा है वो लिखो चैट बॉक्स में। है किसी का आंसर?
चलो देखो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें क्या है, जैसे इसने बोला हुआ है डी कॉमा ई डिवाइड साइड बी सी एंड सी ए, तो पहले एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इसमें बोला हुआ है, मैं कर रहा हूं देखो, अभी इधर ध्यान दो। मान लो अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, तो डी कॉमा ई डिवाइड साइड बी सी एंड सी है, तो बी सी को हमारा डिवाइड कर रहा है डी, ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है। तो डी जो है वो बी सी और सी ए को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, डी जो है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है सॉरी, और ई जो है वो सी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2:3 में, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बी ई और ए डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन बस ये है कि ये बी बी ई है और ये ए डी है, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, हमारे को पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अननोन वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, तो डी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 2c वेक्टर + 3b वेक्टर / 5, ठीक है। सिमिलरली ई वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2a वेक्टर, ठीक है, 2a + 3c/5। इतना समझ आ गया होगा सबको, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैभव का सही आंसर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हमें तो राइट हैंड साइड सेम करनी होती है, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 5d वेक्टर = 3b + 2c, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 5e वेक्टर = 2a + 3c। अच्छा अब एक हिंट जो आपके पास हमेशा रहेगा वो ये रहेगा कि जब आपको डी वेक्टर के साथ आप ऐड कर रहे हो ना, तो ए ही ऐड होगा, क्योंकि ए डी वेक्टर बनाना है ना हमें, तो आपने इसको डी वेक्टर बनाया और इसको ई वेक्टर बनाया है, ठीक है, ई वेक्टर माना हुआ है इस पॉइंट को, तो जब आप ए डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी के साथ ले रहे हो, तो डी के साथ ए ही ऐड करेगा और ई के साथ बी ही ऐड करेगा, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा हिंट रहता है हमारे पास। अच्छा अब उसको देखो, अब अगर आप ऐड करने जाओगे, मान लो आपने इस तरफ 2a ऐड कर दिया, मान लो इस तरफ आपने 2a ऐड कर दिया, तो इधर भी 2a ऐड करोगे, ठीक है, कर देंगे, इधर आपने 3b ऐड कर दिया, तो मैच नहीं कर पाएगा। क्यों मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2a 2c 3b होगा, इधर 2a 3b 3c हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो आपको इधर a ऐड करना है ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में आपको b ऐड करना है, बट वो ऐसे ऐड करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड है वो सेम हो जाए, क्योंकि इस मेथड को हमने क्या बोला हुआ है, राइट हैंड साइड सेम मेथड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि c की वैल्यूज अलग अलग है, तो पहले तो c को सेम करो, तो c को सेम जैसे हम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 15d वेक्टर = यहाँ पे आ जाएगा 3b वेक्टर + 2c वेक्टर, सॉरी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9b वेक्टर + 6c वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10e वेक्टर = 4a वेक्टर + 6c वेक्टर। तो अब आपने क्या अचीव कर लिया कि भाई c तो सेम हो गया, अब a और b ऐड करने, अब हो जाएगा, अब क्या करो इसमें 4a ऐड कर दो, तो इधर भी 4a ऐड हो जाएगा, ठीक है, इधर आप 9b ऐड कर दो, तो इधर भी 9b हो जाएगा। अब लकीली क्या होगा, जब आप राइट हैंड साइड सेम करते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी जो रेशियो बनेगी वो सेम बनने लग जाएगी, रेशियो का मतलब है जो एम रेशियो एन का जो सम है वो सेम होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a + 15d = 9b + 10e = 4a + 9b + 6c। अब देखो आप सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना हो रहा है, इधर भी 19 हो रहा है, ठीक है, इधर भी 19 हो रहा है और इधर भी 19 हो रहा है, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। अब ये कंक्लूजन 3 चीजें बताता है, एक तो कि भाई कॉन्कुरेंट हैं तीनों लाइंस, दो लाइंस या तीन लाइन जो भी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें दो लाइन इन्वॉल्व हो रही है, तो इसमें दोनों लाइन क्या है, कॉन्कुरेंट है, उनके क्या है कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाता है, जैसे 4a + 9b + 6c/19, और उसकी सेक्शन फॉर्मूले की रेशियो भी निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास आया 4a 15d, तो इसका मतलब है ये 15 है और ये 4 है, तभी तो इसके ऊपर पॉइंट क्या बनेगा, 4a + 15d/19। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9b + 10e, तो 9b + 10e, तो बन जाएगा 9b + 10e/19,
ठीक है, समझ रहे हो। और इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, ये इसके बराबर आ जाएंगे। तो जो पी के कोऑर्डिनेट हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, वो आ जाएगा 4a+9b+6c वेक्टर डिवाइडेड बाय 90। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जिस जिसको समझ आया वो ऑल क्लियर कर दो और ये पेंगुइन बना दो जल्दी से। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए लिख लो, आप कर सकते हो उसको। तो जो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो मैं क्लास में करा दूंगा। दो तीन प्रॉब्लम मैं आपको घर के लिए देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो उसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है, ये जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया। इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स, इसकी लेंथ को मान लेते हैं वाई और इसकी लेंथ को मान लेते हैं जेड। तो आपको पता है इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं, याद है ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c आता था। तो इसके आएंगे xa वेक्टर + yb वेक्टर + zc वेक्टर / x + y + z, वेयर xyz आर लेंथ ऑफ दी साइड्स ऑपोजिट टू abc रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये आएगा आपका इसका आंसर। तो इसको आप ट्राई करना, कल डिस्कस कर लेंगे अगर आपको डाउट रहेगा। नेक्स्ट निकालो, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये इन टर्म्स ऑफ एंगल आते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आता है ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आता है, तो ट्राइंगल एबीसी बना देता हूं मैं पहले। ठीक है, तो मान लो ये एबीसी हमारे पास, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आएगा ए वेक्टर टैन ए प्लस बी वेक्टर टैन बी। एंगल है ये ए बी, जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, ये वाला एंगल है। ठीक है, टैन बी प्लस सी वेक्टर टैन सी डिवाइडेड बाय टैन ए टैन बी टैन सी। तो आपको क्या करना होता है, ऑर्थो सेंटर किसके इंटरसेक्शन होता है, ऑल्टीट्यूड्स का। तो ऑल्टीट्यूड बना के उसमें वो साइड्स का रेशियो आएगा टैन, मतलब वो जो साइड को डिवाइड करेगा वो रेशियो आ जाएगा टैन सी रेशियो टैन बी, ऐसे करके आ जाएगा। फिर उससे आपका डी पॉइंट निकलेगा, फिर राइट हैंड साइड सेम करनी है। जो ये होता है इन सेंटर, ही किसका इंटरसेक्शन होता है, एंगल बाई सेक्टर्स का। समझ रहे हो सब लोग, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी ये आएगा इसमें। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है सरकम सेंटर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आते हैं ए वेक्टर साइन टू ए प्लस बी वेक्टर साइन टू बी प्लस सी वेक्टर साइन टू सी डिवाइडेड बाय साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये आप घर पे करेंगे। अब और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको।
प्रॉब्लम 14। शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस टू द हाँ शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग vertices to the centroid of opposite face of the tetrahedral are concurrent and find its coordinate. ठीक है, अच्छा इसको मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि एक टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन कैसे बनता है? एक आपके पास ट्राइंगल रहता है और एक पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, तो ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, पिरामिड क्या होता था? कोन की फैमिली से रिलेटेड होता है। तो उसमें क्या होता है, एक बेस होगा, एक ट्राइंगुलर। टेट्राहेड्रन में क्या होगा, टेट्राहेड्रन आपने देखा भी होगा, CH4 का स्ट्रक्चर भी होता है, तो पहले आपने इसको बना के भी देखा होगा। तो होता क्या है कि एक ट्रायंगल होगा आपके पास, मान लो जैसे एक सरफेस के ऊपर एक ट्रायंगल है और एक पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन ले लो, उससे आउट मतलब बाहर ले लो उस पॉइंट को, है ना, और उसके सारे वर्टिसेस को उसे ज्वाइन कर दो, तो वो टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रन बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस शेप का बनेगा। तो ये जैसे तीन ट्राइंगल के सर्फेसिस है, ठीक है, इसका बेस जो है ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, समझ आ गया? तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका बेस है और ये जो पॉइंट है ये आउट ऑफ दी प्लेन है, तो बेस के प्लेन से बाहर है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि ये मान लो टेट्राहेड्रन है हमारे पास ABCD, तो अब आप क्या करो, शो दैट सेगमेंट ज्वाइनिंग दी वर्टिसेस ऑफ दी सेंट्रोइड टू दी ओपोजिट सेंट्रोइड ऑफ ओपोजिट फेस ऑफ दी टेट्राहेड्रन आर कंकरेंट। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी वर्टेक्स को आप इसके ओपोजिट फेस के सेंट्रोइड से ज्वाइन करोगे, तो यहां से इसका सेंट्रोइड उठा लो G1 या P मान लेते हैं उसको, तो BCD का जो सेंट्रोइड है वो P मान लो, ठीक है, ACD का जो सेंट्रोइड है उसको Q मान लो, ठीक है, ABD का जो सेंट्रोइड है उसको R मान लो, और एक और बचेगा ABC का जो सेंट्रोइड है उसको S मान लो। ठीक है, तो ये बैक साइड में, ये वाला जो है ये आपका R जो है वो बैक साइड में, ठीक है, तो ये चार आपके सेंट्रोइड हो गए सर्फेसिस के। वो कह रहा है आप A और P को ज्वाइन करो, तो आपने मान लो A और P को ज्वाइन किया ऐसे, ये A और P ज्वाइन हो गए, ऐसे आपने B और Q को ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसे आपने D और S को और C और R को ज्वाइन किया, तो ये चारों जो लाइंस हैं ये कॉन्कुरेंट आएंगी और वो जो पॉइंट बनेगा उसको भी सेंटर ऑफ द सेंटर ये बोलते हैं। ये जो पॉइंट आएगा ना G मान लेते हैं इसको, ये जो पॉइंट है G इसको भी बोला जाता है सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, ये सेंट्रोइड भी बोल देती है कुछ बुक्स में ना, सेंट्रोइड भी लिखा रहता है, समझ गए? तो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन क्या है कि भाई आपके पास टेट्राहेड्रन होगा, एक वर्टेक्स को उठाओ उसके ऑपोजिट साइड के सेंट्रोइड से ज्वाइन कर दो, एक लाइन बनेगी, ठीक है, वो मीडियन टाइप की लाइन होगी। सिमिलरली एक पॉइंट को उठाओ उसके ऑपोजिट सरफेस के सेंट्रोइड से उसको ज्वाइन कर दो, वो दूसरी मीडियन टाइप की लाइन होगी। तो ऐसी चारों मीडियन टाइप की जो लाइन होंगी वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पॉइंट निकालते हैं, बिकॉज P पॉइंट जो है वो किसका सेंट्रोइड है, BCD का, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे B+C+D/3। समझ आ रहा होगा ये बात तो सबको, भाई सेंट्रोइड तो पता ही है ना, मैं ट्राइंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, A+B+C/3, तो B+C+D/3 हो गया, तो P हमारा इसका सेंट्रोइड हो गया। फिर Q जो है वो किसका, किस सरफेस का है, ACD का, तो A+C+D/3 हो गया, ये Q आ गया हमारे पास। फिर R वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर वो किसका है, ABD का, वो बैक सरफेस था, तो A+B+D/3 हो गया। S जो है वो है ABC का, ये हो गया A+B+C/3। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं राइट हैंड साइड सेम करनी है, अननोन वेक्टर हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए हैं,
राइट हैंड साइड जब मैं सेम करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले 3p से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो p के ऑपोजिट पॉइंट कौन सा है, a है, तो बहुत इजी है इसमें, तो ये क्या बनेगा 3, ये 3 उधर जाएगा, तो कर ले, यहीं पे कैंसिल करते हैं इसको, तो ये इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो इधर 3 आ जाएगा, इधर से 3 कैंसिल किया इधर 3 आ जाएगा, इधर से 3 कैंसिल किया इधर 3 आ जाएगा, इधर से 3 कैंसिल किया इधर 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या ऐड कर देंगे ए वेक्टर, तो इधर भी ए वेक्टर ऐड हो जाएगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे बी वेक्टर, इधर भी बी वेक्टर ऐड हो जाएगा, इसमें क्या ऐड करेंगे सी वेक्टर, इसमें भी सी ऐड हो जाएगा, इसमें क्या ऐड करेंगे डी वेक्टर, इधर भी डी ऐड हो जाएगा। तो अब आपकी राइट हैंड साइड सेम हो गई, तो अब मैच करा लीजिए आप, तो आपके पास क्या आ रहा है ए प्लस थ्री पी इज इक्वल टू बी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू सी प्लस थ्री आर इज इक्वल टू डी प्लस थ्री एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, ये बाय 4 हो गया, 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 तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया। तो इसमें क्या समझ आ रहा है कि भाई जो सेंट्रोइड ये टेट्राहेड्रन का जो मीडियन है, ठीक है, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में, देख रहे हो, तभी तो हमारे पास क्या आ रहा है 3p plus a divided by 4 आ रहा है। ऐसे b और q को पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो अब इससे एक चीज क्लियर हो गई, ap इससे क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट जो है वो ap के ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट bq के ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट cr के ऊपर आ रहा है, और ये पॉइंट ds के ऊपर आ रहा है। तो जो आपके चारों मीडियन हो गए थे आपके टेट्राहेड्रन के, वो चारों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है a plus 3p by 4, b plus c cube by 4, and so on to a plus b plus c plus d by 4. तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन वो क्या आ रहा है a plus b plus c plus d by 4, ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई समझ आ गया, तो पेंगुइन बना दो या ऑल क्लियर लिख दो, कुछ भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं प्रॉब्लम 15 पे। अब ये खुद से करो, ये भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम है। डी कॉमा ई कॉमा एफ आर पॉइंट्स dividing sides BC CA AB of triangle ABC in ratio 2:3। सबसे पहले डायग्राम बनाना है इसमें, वेक्टर 3D में बिना डायग्राम के आप करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमेशा डायग्राम बनाए 1:2 3:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डी ई एफ आर पॉइंट डिवाइडिंग साइड बी सी सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन रेशियो 2:3 1:2 एंड 3:1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ। निकालो भाई आंसर इसका। क्वेश्चन लिख लो एक बार, डायग्राम बनाओ और आंसर बताओ।
शैली, लवकेश, मयंक, ज्योति, सौरभ कुमार, रागिनी, करण अग्रवाल, आफताब अहमद, इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस लिखे चैट बॉक्स में। शैली, लवकेश, मयंक, ज्योति, सौरभ कुमार, करण अग्रवाल, आफताब अहमद। आया किसी का आंसर? चैट बॉक्स में लिखो a प्लस 3b प्लस 2c डिवाइडेड बाय 6। हाँ यही आता है इसका आंसर, a प्लस 3b प्लस 2c डिवाइडेड बाय 6। हाँ ठीक है, चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो भाई सब लोग जिनका नहीं हुआ, तो आपके पास वही है ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं a वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, और ये मान लेते हैं सी वेक्टर है। तो डी डिवाइड्स बी सी, तो मान लेते हैं डी डिवाइड्स बी सी इन 2:3, तो ये 2 है ये 3 है, ठीक है। फिर ई डिवाइड्स सी ए, ई डिवाइड्स सी ए इन 1:2, एंड एफ डिवाइड्स ए बी, एफ डिवाइड ए बी इन 3:1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन चीजों का ही ध्यान रखना है आपको कि भाई वो पॉइंट मतलब जो रेशियो है वो हम सही से बनाएं, समझ गए। देखो दोबारा से देखो, डी डिवाइड्स बी सी, तो डी बी और सी के साथ 2:3 बनाएगा। ई डिवाइड्स सी ए इन 1:2, तो सी ए से 1:2 है, तो सी के साथ 1 बना रहा होगा और ए के साथ 2 बना रहा होगा, ठीक है। और एफ डिवाइड्स ए बी इन 3:1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ए डी, बीई और सी एफ का, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं पी है, वो निकालना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वेक्टर लिखते हैं। डी वेक्टर किसके बराबर आएगा, 2c प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ई वेक्टर निकालते हैं, ई वेक्टर किसके बराबर आएगा, 2c प्लस a डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एफ वेक्टर हमारा किसके बराबर आएगा, एफ वेक्टर आ जाएगा a प्लस 3b, a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5d वेक्टर इज इक्वल टू 3b प्लस 2c। अब राइट हैंड साइड सेम करनी है हमें, 3e वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस 2c, cc तो मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4f वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस 3b, अब देखो सब मैच कर रहा है हमारा, a वेक्टर भी a वेक्टर है, 3b भी 3b है, 2c भी 2c है। तो बस अब हमें क्लियर हो गया क्या क्या ऐड करना है। अब d के साथ ऑब्वियसली a ऐड होगा, तो इसमें a ऐड होगा तो इधर भी a ऐड हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या बन गया आपकी, a प्लस 3b प्लस 2c, अब a प्लस 2c तो इसमें 3b ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 3b ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर 2c ऐड करेंगे तो इधर भी 2c ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैच कर गया, क्या मैच कर गया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 3b प्लस 3e इज इक्वल टू 4f प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इधर भी 3 प्लस 3 6 है, 4 प्लस 2 6 है, 1 प्लस 3 प्लस 2 भी 6 है। तो ये एक कंक्लूजन आ गया, इससे क्या कंक्लूजन आएगा, ad be cf तीनों कॉन्कोरेंट हैं, उनके ऊपर एक पॉइंट है जो 1:5, 3:3 और 4:2 में डिवाइड कर रहा है उन्हीं लाइंस को, और उसके जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं वो a प्लस 3b प्लस 2c बाय 6 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा p वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी यहां तक तो बताओ, क्लियर है, ऑल क्लियर कर दो। पेंगुइन बना दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 हो गया, प्रॉब्लम 16 पे आते हैं। इफ स्मॉल ए वेक्टर इज 3:1-2 एंड स्मॉल बी वेक्टर इज
माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा फोर एंड सी वेक्टर इज फोर माइनस टू माइनस सिक्स, ठीक है। These constitutes, the sides of triangle ABC. Then length of the median. Bisecting vector C. निकालो भाई इसको। जी मीन्स का क्वेश्चन है, हो जाएगा सिंपल सा, इसको ट्राई करो। अब इसमें एबीसी उसने ना साइड दी हुई है, उसने पॉइंट नहीं दिए हुए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसने बोला ना दीज कॉन्स्टिट्यूट दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये फ्री वेक्टर हैं जो कि साइड्स बनाएंगे हमारी। करो करो भाई जल्दी से। इसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। नहीं आया किसी का भी आंसर? नहीं, आयुष सही नहीं है। देखो करते हैं, चलो। अब सबसे पहला काम इसमें क्या करना था, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड्स बन रही हैं, तो ये ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा,
ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, दो वेक्टर का सम थर्ड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक वेक्टर मैंने मान लो बना लिया बी वेक्टर और ए वेक्टर मैंने बना लिया सी वेक्टर, वो एरो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ना, तभी तो ये वाला वेक्टर आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर बनेगा, नहीं रूट 74 भी नहीं आएगा। समझ आई कैसे बना? बी प्लस सी का देखो, बी प्लस सी का सम ए के बराबर आ रहा है, देख लो बी प्लस सी का सम कितना आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, तो बी प्लस सी करोगे तो 3 1 और -2 आ रहा है जो कि ए के बराबर है, ठीक है। तो अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लेता हूँ, ओरिजिन में कहीं पे फिक्स कर सकता हूँ, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, तो ये मैंने ओरिजिन मान लिया यहाँ पे 0 0 0। अगर मैंने ये पॉइंट ओरिजिन मान लिया तो इसको जैसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो सी पे मैंने ओरिजिन मान लिया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -1, 3, 4, क्योंकि बी वेक्टर को क्या बनना है। अब देखो बी वेक्टर निकालो, -1, -0, -1 आ जाएगा, 3 -0, 3 आ जाएगा, 4 -0, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सी वेक्टर बनाना है, अब सी वेक्टर बनाना है तो इसका मतलब हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा 3 1 और -6 चाहिए तो ये आ जाएगा -2। अब देखो अब ये सी वेक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियली तो निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं तो सी वेक्टर आता है ना, हाँ √6 इज द आंसर। तो 3 -1 कितना आ जाएगा 4, 1 -3 -2, -2 -4 -6, तो ये ऑटोमेटिकली बैठ गया और ऑटोमेटिकली ए भी सही बैठ रहा है। अब उसने क्या बोला है कि भाई ये तो साइड्स हमने बना दी, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग वेक्टर सी, तो आपको ये वाला वेक्टर सी कहने मतलब ये वाला वेक्टर ना, ये वाला जो है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है। अब तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, तो सी डी की लेंथ निकालनी है। अब क्योंकि ये मीडियन है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1, 3 -1 कितना हो गया 2/2, मिड पॉइंट निकालना आता होगा आपको, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 1 2 1 आ गया, समझ आई बात। 3 -1 कितना हो गया, 3 + -1 कितना हो गया 2/2, 1, 1 + 3 = 4/2, 2, ठीक है, 4 - 2 = 2/2, 1, 1 2 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, सी डी की लेंथ निकालनी है, तो सी डी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा √1 + 4 + 1, तो √6 इसका आंसर आ जाएगा। इजी सा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, देखो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 16, प्रॉब्लम 17 पे आ जाओ, तो ये MCQ है। If 3a plus 5b vector is equal to 2c vector and 8a minus 7b vector is equal to 4c vector, then magnitude of a is greater than magnitude of b, magnitude of c is greater than magnitude of b, a, b, c are collinear, d hai magnitude of a is equal to magnitude of b। chalo bhai in charon mein se batao kaun kaun sa sahi hai, karo try karo, simple sa question hai ye to। एबीसी आएगा,
देखो क्या होगा, पहले तो इसमें ऐसा करते हैं, ए और बी में रिलेशन निकालना है, फिर ए और सी में निकाल लेंगे, ठीक है? तो वहां से आ जाएगा। तो जैसे 2c और 4c है, तो ऐसा करते हैं 6a+10b हमारे पास आ जाएगा 4c, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली टर्म को, तो 6a+10b आ जाएगा 4c, यहाँ पर है 8a-7b इज इक्वल टू 4c, ठीक है? तो अब यहां से मेरे पास आ जाएगा कि 6a+10b वेक्टर इज इक्वल टू 8a-7b वेक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा 2a वेक्टर इज इक्वल टू 17b वेक्टर। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, 2a इज इक्वल टू 17b वेक्टर आ गया। अब c का निकालना है हमें, तो जो c वेक्टर था वो हमारा किसके बराबर है, 2c वेक्टर है हमारे पास 3a+5b, तो 2c वेक्टर इज 3a+5b, तो यहाँ से आ जाएगा 2c वेक्टर, एक ही जगह डाल देते हैं 17b/2+5b, समझ गए ना? एक ही जगह क्या डाल दिया, 17/2, तो 3 तो है ही साथ में, 3 × 17/2b vector + 5b वेक्टर, तो आपके पास 2c वेक्टर आ जाएगा 51+10 61b वेक्टर / 2, इसको 4 कर देते हैं और यहाँ से 2 हटा देते हैं। समझ आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है? तो हमारे पास अब क्या आ गया कि जो ए वेक्टर है वो आ गया 17/2b वेक्टर, ठीक है? सी वेक्टर जो है वो आ गया 61/4b वेक्टर। अब ए और सी में रिलेशन निकालना है, ठीक है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू 61/4 × ए, बी को इन टर्म्स ऑफ ए लिखेंगे तो आ जाएगा 2/17 ए वेक्टर, ठीक है? तो सी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, तो एक तो सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बी आ गया, ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बी आ गया, अब सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा 61/34 ए वेक्टर, ठीक है? तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, तो ए बी, बी सी और सी ए में रिलेशन आ गए। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो देखो सी जो है वो 61/4 × b वेक्टर है, तो क्लियरली समझ आ रहा है मॉड सी इज ग्रेटर देन मॉड बी, ठीक है? ए जो है वो 17/2 × b वेक्टर है, तो इसका मतलब हो गया मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी भी होगा, ठीक है? सी जो है वो 61, ये भी समझ आ रहा है कि मॉड सी ग्रेटर देन मॉड ए होगा, समझ आ रहा है ना? अगर मैग्नीट्यूड को कंपेयर करोगे तो सी का मैग्नीट्यूड 61/34 × a का मैग्नीट्यूड है। तो अच्छा, अब ऑप्शन देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी था, ए ग्रेटर देन बी था, तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है? मॉड सी ग्रेटर देन मॉड बी है, वो भी स्टेटमेंट एकदम सही है। एबीसी कोलिनियर है, कोलिनियर कैसे चेक करते थे, अगर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर है, ठीक है, तो इससे क्लियर होता था कि ए और बी क्या होंगे, कोलिनियर, तो ये भी एकदम सही है। ये गलत है क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, तो बराबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा ए बी सी, ठीक है? ऑल क्लियर हो गया सबको, बताओ एक बार जल्दी से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल क्लियर कर दो और या फिर रंगन बना दो, नेक्स्ट पे आते हैं हम। लवकेश आप प्रेजेंट हो क्लास में, तो यस लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है हमारे पास। तो वेक्टर ए वेक्टर एज कंपोनेंट्स, अच्छा वेक्टर के कंपोनेंट क्या बोलते हैं, मान लो मैं बोलता हूँ एक वेक्टर है मेरे पास 2i+3j+6k, तो वो जो 2, 3, 6 है उसको उसके क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है? तो वेक्टर ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स, टू पी कॉमा वन विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? वेक्टर ए वेक्टर हैज कंपोनेंट टू टू पी कॉमा वन विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. इफ विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम a vector has components p plus 1 comma 1, then find p. सिंपल से क्वेश्चन है, टू डायमेंशन का ही क्वेश्चन हो गया है. तो इसमें दो कंपोनेंट, जैसे एक वेक्टर है जिसके मान लो 2p, 1 कोऑर्डिनेट्स हैं किसी एक सिस्टम में, मान लो 2pi cap + j cap है. अब आपने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और उसके नए कोऑर्डिनेट बन गए p + 1, 1. तो हमें p को फाइंड आउट करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, देखो एक बार ट्राई करके क्या वैल्यू आएगी. इसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दो. आ रहा है किसी का आंसर? 1. देखो ये तो, इसको ऐसा कर लेते हैं. देखो सुनो, मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई. रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है, अगर हम टू डायमेंशन में लेके चल रहे हैं तो आई कैप और जे कैप होंगे, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अगर थ्री डायमेंशन में लेके चल रहे हैं तो आई कैप जे कैप के कैप होंगे, ठीक है. मतलब रेक्टेंगुलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहता है. तो अब आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2p, 1. तो मान लो ये वेक्टर बना लिया हमने 2p, 1. अब आपने क्या किया, आपने सिस्टम को रोटेट कर दिया है. तो अब जो आपका नया सिस्टम है वो कुछ मान लो ऐसा आ गया, x' और y', ठीक है. अब ये सिस्टम आ गया x' और y', इसके रिस्पेक्ट में जो आपके इसके कोऑर्डिनेट थे वो p + 1, 1 हो गए. तो हुआ क्या कि सिस्टम रोटेट हो गया, ओरिजिन आपका सेम रहा और वो पॉइंट भी आपका सेम रहा. तो दोनों सिस्टम में क्या हुआ भाई, पॉइंट तो सेम रहा बस सिस्टम चेंज हो गए हैं, ठीक है. और उसके रिस्पेक्ट में p + 1, 1 आएगा. ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर मान लो आप इसके साथ कंपेयर करते हो ये वाली लेंथ, तो ये x एक्सिस वाली लेंथ इसकी p+1 आएगी, ये वर्टिकल लेंथ इसकी 1 आएगी. सिमिलरली ओल्ड वाले के साथ भी कंपेयर करोगे तो हॉरिजॉन्टल जो x एक्सिस में लेंथ होगी वो 2p आएगी और वर्टिकल लेंथ 1 आएगी, ठीक है. ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ओरिजिन से तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है आपको बस. तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट कर दो तो आपके पास आ जाएगा √x²/y², ठीक है. तो ये तो आ जाएगा p+1² + 1² एक्चुअली में तो फॉर्मूला होता है x²-x1² + y²-y1² क्योंकि इसमें ओरिजिन है तो इसलिए डायरेक्ट ये लिख देंगे. तो अब हमारे पास आ जाएगा p+1 का mod = mod of 2p, ठीक है. ये टर्म आ जाएगी, नहीं नहीं सॉरी मॉड नहीं आएगा, पहले तो अभी ओपन अप करना पड़ेगा ना, होल स्केयर कर देंगे क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, तो मॉड नहीं आएगा. मेरे को लगा शायद 1 कैंसिल आउट हो रहा है. तो इसमें क्या है कि √2p का होल स्केयर + 1 है, √√ हटाओ तो आ जाएगा 4p² + 1. यहाँ पे कितना आ जाएगा p² + 2p + 1 + 1, ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया. तो 3p² - 2p - 1 = 0. इसके फैक्टर आ जाएंगे 3p² - 3p + p - 1 = 0. तो हमारे पास आ जाएगा 3p + 1 × p - 1 = 0. दो वैल्यू आ रही है,
की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री भी आ रही है और वन भी आ रही है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम था, डिस्टेंस सेम करना था, डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 19। इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन एंड इफ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर फाइंड लैम्डा। तो ट्राई करो एक बार इसको, ये भी इजी सा प्रॉब्लम है। रेगुलर हेक्सागन है, उसके बिना नहीं होगा ये प्रॉब्लम, नॉर्मल हेक्सागन नहीं है। मान लो ये हमने ऐसा हेक्सागन बना लिया एक, ठीक है, ध्यान दो इधर। तो ये मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। रेगुलर हेक्सागन सिमेट्रिक होता है अबाउट इट सेंटर, तो हमने ऐसा किया ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, थ्री आएगा। हाँ सही है, कुछ बच्चों का आ गया आंसर। तो आप ऐसा कर लो, ये ऐसा आपने बना लिया और ये पॉइंट आपके पास जीरो के बराबर, जीरो मान लेते हैं इसको, ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ए वेक्टर अगर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा तो ये आपके पास माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। ये अगर बी वेक्टर होगा तो ये आपके पास माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ये सी वेक्टर होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर। देखो इन क्वेश्चंस में अगर आप ओरिजिन मान लेते हो ना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी वेक्टर प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, है ना। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, और इसको हमें लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर लेके जाना है। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब डी वेक्टर खुद माइनस ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए ई वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाँ ए ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ए एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर, तो माइनस ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये माइनस बी से ये वाला बी कट गया, ये माइनस सी से ये वाला सी कट गया, तो ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, कितने हो गए, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, सिक्स हो गया, तो माइनस सिक्स ए वेक्टर बन जा रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड में है लैम्डा ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर आपके पास क्या होगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस टू ए वेक्टर। तो ये दोनों को कंपेयर करना है, तो माइनस टू लैम्डा इक्वल टू माइनस सिक्स आ जाएगा, लैम्डा थ्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी।
ठीक है, तो आज के लिए इतने कर रहे हैं, कल हम स्केलर टिपल प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे स्टार्ट ना, स्केलर प्रोडक्ट फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, कल वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं कल असाइनमेंट अपलोड नहीं कर पाया था, रिजल्ट था कल 12th का, इसलिए तो आज मैं अपलोड कर देता हूँ अभी असाइनमेंट थोड़ी देर में, क्लास के बाद 1 बजे तक आपको मिल जाएगा इसी में, और ग्रुप पे भी डाल दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। तो आपको वेक्टर का असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देना है, जिसका पेंडिंग वर्क है वो जब भी उसको फ्री टाइम है तो उसको करे, अदरवाइज वेक्टर पे फोकस करे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी है तो कल। अभी आपको क्या करना है ना, हमेशा कैलेंडर से ज्वाइन करो, क्योंकि जो पुरानी मीटिंग थी उसमें बहुत सारे वीडियोस थे तो वो ग्लिच आ रहा था उसमें, तो आज जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हमें, तो इसलिए मैंने नई मीटिंग अरेंज करी है। तो हमेशा अपनी कैलेंडर को रिफ्रेश करो और वहां से मीटिंग को ज्वाइन करो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, जय हनुमान जी करके एग्जिट करें सब लोग, चैट बॉक्स में जय हनुमान जी लिख के एग्जिट करें।